मीना गोटे गरीब परिवारर झियो थिला। ताकु ताहार चाचा चाची पाली पोसी बड़ करिथिले। सेमाने मीना को पसंद करुनथिले। सहरर आरब तांको गाँ को आसीथिबा बेले मीना को देखि से भल पाई बसिला। तेणु से ताकु बाहागर होई सहर नेई आसिला। घर को पहुँचीबा परे मीना बहुत बड़ घर देखि आश्चर्य होइगला। मीना कहिला, आरब, एहा कौन तुमर बंगला? पूरा 50 कोठरी थिबो। एपरि घर मु केवल टीवी रे देखी थिली। आरब कहिला, हाँ हाँ, 50 कोठरी थिबा घर। तुमर जेउठी इच्छा सेठी रुह। पार्टी शुणी मेघनाद गायत्री आसिले। गायत्री कहिला, आरब, तू आसीगलु। तो सह ए झियो किए? आरब कहिला, मा, ये आपणक बहु। मु जेउ गाँ को बुली जाइथिली सेठी मीना सह मोर देखा होइथिला। आउ ताको बाहागर होई घर को नहीं आसिली। मते क्षमा करिदेव। मेघनाथ कहिला, बेईमान, तो बाहागर पाई आमे केते स्वप्न देखिथिलु। आउ तू बाहागर होई गलु। निश्चय ए झियो तोर फायदा उठाउछि। आमे ए बाहागर को मानिबुनी। आरब कहिला, बापा, एबे ये आपणकर बहु होई सारिछि। मु मीना को छाड़ी रही पारिबिनी। गायत्री कहिला, आरब, आमर इज्जत माटी रे मिसेई देइछि। चालंतु आमे जीवा। पुणी मेघनाद गायत्री चलीगले। तापरे आरब मीना को तांको रूम देखाइला। मीना कहिला, आरब, ए रूम तो बहुत बड़। अन्य 49 रूम भी कौन एपरि बड़? आरब कहिला, हाँ हाँ, से सब भी एतिकी बड़। चाल मु तुमको देखाइबी। एहा कही आरब मीना को नेई तांको 50 रूम देखाइला। एहीपरी गोटे दिन मीना आरब को खोजी खोजी ऊपर महला को चलीगला एवं सेठारे बणा होईगला। पुणी से रास्ता न पाई बाथरूम रे ही सोई पड़िला। आगो दिन गायत्री जाई देखिला तो मीना बाथरूम रे सोईछि। हे भगवान, ए गरीब बहु तो बाथरूम रे सोईछि। गाँवली बहु उठ। तापरे मीना धड़पड़ होई उठी जाई कहिला, हाँ माँ कहतु, मो आखि लगी जाइथिला तो। गायत्री कहिला, तुम्हें पागल कि? बाथरूम रे किए सुए? एते सारा रूम अच्छी गाँवली कोटिकार। मीना कहिला, माँ, आपणकर 50 रूम। राति रे मु हजिगली, तेणु एठी सोई पड़िली। तापरे आरबवासी मीना को नहीं जाई कहिला, आरे तुम्हें कुआडे चली जाइथिल? जना अछि मु केते अपेक्षा करितिली। मीना कहिला, आरब, मु हजि जाइथिली। पुणी सेदिन मीना रोसई करी समस्तंकु खाइबा परोसिला। मेघनाद गायत्री खाई खूब खुशी हेली। आरब कहिला, माँ, बापा आउ मोर उदयपुर गाँव रे 2 दिन पाई मीटिंग अछि। आमे आजि जीवो। तुमे मीनार ध्यान रखिबो। गायत्री कहिला, ठीक अछि पुओ। पुणी किछि समय रे बाप पुओ चलीगले। आउ गायत्री भी तांको चाकर मानकु छुट्टी देई देला। गायत्री कहिला, बहु, चाकर मानक काम थिला, तेणु तुम्हें पूरा घर को सफा सुतरा करिबाको पड़िबो। मीना कहिला, ठीक अछि माँ, मु सबु काम करिदेबी। पुणी मीना 4 रूम सफा करिबा परे थकिगला। आउ कहिला, बाप रे, मु तो थकी गलिनी, किंतु मते माँ को खुशी करिबाको पड़िबो। पुणी मीना 25 रूम सफा करिदेला। एपरि दीपहरर खाइबा समय होइगला। तापरे से रोसई करी कपड़ा सफा कला। आउ पुणी खाइबा परोसी पुणी थरे झाड़ू कला। सारा दिन मीना सफा सुतुरा करिकी दिन बीतीगला। आउ ताहार अवस्था बहुत खराब होई जाइथिला। गायत्री एसबु देखि भाविला, आरे बाह, मजा आसीगला। गरीब बहु आसीथिला 50 कोठरी थिबा घरर मालिकाणी हेबाको। मु करिदेली ना चाकराणी। एहीपरी मीना 2 दिन पर्यंत सबुदिन सफा करी थाए। आउ ताहार देह बहुत खराब होई जाइथिला। से ठीक रे छिड़ा भी होई पारु नथिला। गायत्री कहिला, बहु, गार्डन रे जाई गछ मानको पानी दे। मीना कहिला, ठीक अछि माँ। तापरे मीना खरा टहटहरे जेपरी गार्डन को जाउथिला बेहोश होई पड़िगला। तेबे सही समय रे आरब ओ मेघनाद आसिले। सेमाने मीना को बेहोश रे देखिले। आउ ताकु उठेई की पानी छिंचिले। तापरे मीनार होश आसिला। आरब कहिला, माँ, मु तुमको कहितिली ना, मीनार ध्यान रखिबो। मीनार कौन हैला? मेघनाद कहिला, गायत्री, तुमे बहु सह कौन करिछ? तापरे गायत्री भयरे सबु कथा कहिला। मेघनाद कहिला तुमे पागल तो होई जाइन। आरव कहिला माँ जदि तुमे मीना को बहु बोली मानुना हो तेबे आमे ए घर छाड़ी चली जाऊछु। गायत्री कहिला पुओ जहा होईगला से सबु भूली जा, मते बहु क्षमा करदे। शेषे गायत्री को ता भूलर पश्चाताप होला आउ से तार बहु मीना सह खुशी रे रहिला। मालिनी और नंदिनी गोटे गछरे बंधा होइथिले। तांकर तीनि जा सेमानक बाल काटिबाकु जाउथिले। आउ सासुर हातरे मसाल थिला। बहुत गर्व लागुची ना तुमर एई लंबा बाल पाई, किंतु आमे आजि काटि देबु। सासु कमला कहिला अरे तुमे शीघ्र कर नहले मु एमानकु जळेई देबी। दुई कालीजा निजकु छाड़ी देबा पाई नेहुरा हेउथिले। कमला कहिला आरे तुमे दुई जण मो पुओ मानको ठारू कथा सुणेइल, मु ताहार बदला तो नेबी। प्रकृत रे मालिनी और नंदिनी सह एपरी काहींकी हेउथिला। काहींकी ता सह तांकर जा माने ओ सासु एपरी व्यवहार करूथिले। पूरा घटना जानिबा पाई आमको कहानीर पछकु जीवा पाई पड़िबो। पिला दिनरु दुई भौणी को लंबा बाल थिला। आखपाखर लोक सेमानकु देखि आश्चर्य हेइ जांती। अरे भाई देख 10-12 वर्षर झीओ किंतु नागुणी परी बाल। हाँ हाँ तांको मार भी सेतिकी बाल नहीं। समय बीतिला, दुहें बड़ होई जाइथिले। गोटिए दिन दुई भौणी पानी भर्ती पाई कूओ को गले। आखपाख लोक सेमानकु देखि कथाबार्ता हेउथिले। पुणी जेते बेले सेमाने देखिले कूओरे दुईटी छेली पड़िचंती। नंदिनी कहिला मालिनी ए कूओरे दुईटी छोट छोट छेली छुआ पड़िचंती, आमको सेमानको रक्षा करिबाको पड़िबो। मालिनी कहिला हाँ दीदी तुमे ठीक कहुच, किंतु आमे किपरि रक्षा करिबा? नंदिनी कहिला आरे लंबा रसी आउ बाल्टी अछि ना। जेते बेले सेमाने रसी रे छेली दुईटी को टाणुथिले रसी छिंडी गला। तापरे सेमाने तांको बालरे छेली दुईटी को बाहर कले। यह शुणी तांको बापा माँ बहुत खुशी हेले, किंतु तांको रंग कला थिला। एथिपाई लोकमाने सेमानकु निंदा करिथांती। पुणी शीघ्र तांको बापा माँ कमलार दुई पुओ रवि और श्याम सह बाहाघर करिदेले। घर को प्रवेश करिबा समयरे तीनि गोरीजा सुरेखा, गायत्री और वीणा तांको लंबा बाल देखि कहिले माँ आपण किपरि बहु आनिले? डाहाणी परी देखंतु तांकर बाल केते लंबा। गायत्री कहिला हाँ हाँ एपरि तो बाल डाहाणी कर। वीणा कहिला दीदी ठीक कहिसंती, पुणी एमाने पूरा काली। कमला कहिला एबे आउ कोन करि परिबा, मु तो इन आड़े प्रस्ताव देखुथिली, किंतु रवि आउ श्याम कहिले कि रंग बन्न रे कोन अछि। रवि कहिला हो माँ आमे कौन भूल कहिलु, स्वभाव ए दुहे बहुत भल, ठीक कहली ना भाई? श्याम कहिला हाँ बिल्कुल, तुम तीन बहुं को ऊपर आमे अभिमान करिछु, काहींकि ना तुमे माने आम भाई मानकु सहर रु आसीबा पाई मना कल। एहीपरी समय बीती चलिला। तीनि गोरीजा तांको दुई कालीजांको लंबा बाल जगु चिड़ी थांती आउ से दुई जनक द्वारा घरर समस्त काम कराई थांती। गोटिए दिन मालिनी परिबा काटिकी जेपरी उठिला ताहार बाल गायत्री आखिरे लागिगला। गायत्री कहिला ओहो ए काली मुही मारी देला रे, नागुणी परी बाल रखिची। मालिनी कहिला दीदी भूल रे हेई गला। पुणी गायत्री मालिनी को धक्का मारिला। तेबे रवि सेठारे पहुँची ताकू धरिनेला। रवि कहिला भाउज तुमे कौन करुछ? जदि मालिनी पड़ी जाई थांता। गायत्री कहिला तुमर काली स्त्री मो आखि फुटेई देई थांता, निज काली स्त्री को संभालिकी रख। रवि कहिला भाउज मु बुझी पारुनी तुमे माने मालिनी आउ नंदिनी भाउजंकु काली काहींकी कहुच? कला हेबा कोनोसी पाप नुहे, मु पुणी थरे कहुची आगको एपरी करिबो नाही, चलो मालिनी। तापरे रवि मालिनी को नेई चलीगला। एसबु ताहार जा ओ सासू देखिनेले आउ कहिले देखिल माँ आपणक काली बहु माने आपणक पुओ मानक उपरे कला जादू करि देइछंती, एमानक पाई सेमाने आम उपरे चिलाउछंती। कमला कहिला ठीक कहुछु सुरेखा बहु, ए दुई जनकर किछि करिबाकू पड़िबो। पुणी आग दिन तीन जा और सासू दुई जन को गछरे बांधीदेले। जेपरी सेमाने तांको बाल काटिबा पई जाउथिले रवि और श्याम पहुँची सेमानक ठारू कैंची और मशाल छड़ई फिंगीदेले। रवि कहिला, माँ आमको विश्वास हेउनी कि तुम्हें भी तुम बहुंक सह सामिल अछ। श्याम कहिला, माँ तुम्हें आम स्त्रीर बाल को जालिबाको बसीथिल, जदि तुम्हें एते घृणा करुछ आमको कहितिले आमे घर छाड़ी चली जाई थांतु, किंतु एबे आमे पुलिस स्टेशन रे केस करिबु कि तुम्हें चारि जण आम स्त्री को मारिबा को चेष्टा करुथिल। गायत्री कहिला, ना ना दियर बाबू आमे तुमको क्षमा मागुछु, एपरि कर नहीं। कमला कहिला, हाँ हाँ पुओ मते क्षमा करदे, एमानक कथारे पड़ी मु एपरि करुथिली। पुणी तीन जण दुई काली जाँ को क्षमा मागिले। तापरे समस्ते मिलीमिशी खुशी रे रहिले।